देश की 10 एजेंसियों को पहली बार किसी भी कंप्यूटर की जांच का अधिकार मिला। विपक्षी दलों ने कहा, नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव निजता के अधिकार पर हमला बताया। कंप्यूटर निगरानी विवाद पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, देश को पुलिस स्टेट में बदलने का आरोप लगाया। डेटा पर निगरानी के लिए जांच का अधिकार देने के सरकार के फैसले का हर तरफ विरोध, साइबर एक्सपर्ट सैकत दत्ता ने गो न्यूज से कहा, ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निजता के आदेश का उल्लंघन। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में सभी 22 आरोपी बरी, जज ने कहा सबूत नहीं होने और गवाहों के मुकरने पर यह फैसला सुनाने के लिए मजबूर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा पर रोक लगी, कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत ने सिंगल बेंच के आदेश को पलटा। नयना सहानी हत्याकांड में लगभग 20 साल से सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस नेता सुशील शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड इमारत को 2 हफ्ते में खाली करने का आदेश दिया, कहा 2 हफ्ते से ज्यादा का समय लगा तो कार्रवाई होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बाद चिराग और रामविलास पासवान ने अरुण जेटली से मुलाकात की और शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 690 तो निफ्टी 197 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ।